अच्छा जनीफ भाई आप बताएं अच्छा इफ़ यू सामन लुक साइड ऐसा लगता है कि इज अ वेरी सीरियस गाय बट यूर वेरी फन एंड कैजल और बड़े मजे के यूर यूर फन गाए तो टेल मी हाउ डिड यू अचीव दिस लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन योर मेरा ख्याल है रिलायबिलिटी और जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी टाइम आता है सो hmm. so, कई लोगों को लगता है कि शायद ओवरनाइट सक्सेस है पार्क व्हील्स और तो पार्क व्हील्स हैज बीन अराउंड फॉर लाइक ट्वेंटी इयर्स तो 20 साल एक ऐसा अरसा होता है कि जिसमें आपको पता लगता है कि जिस बंदा इसने कोई बात कही है तो hmm. टाइम so, जो कहते हैं ना इज द बिगेस्ट जज ऑफ द किसी भी चीज का अगर आपने कोई टेस्ट भी नहीं दी है वी लुड डू अ लॉर्ड ऑफ रिव्यूज और अगर मैं उसमें कोई चीज कहते हैं ना अनजस्टफुल या गलत करूंगा बात तो टाइम के साथ प्रूव हो जाता है बीस साल मेरा ख्याल है काफी बड़ा अरसा होता है जिसमें आपको एक ट्रस्ट डिवेलप करना पड़ता है एंड वी हैव डिवेल्प अलहमद होल्ड नेम रियो से रिलेटेड कोई भी चीज लेनी हो बट उसके लिए आपको अगेन इट्स टफ रूट आपको कई ऐसी लेने पड़ते हैं जो कि शायद आपको फाइनेंशियली इतने फीजेबल ना हो बट टू डिवेलप दैट ट्रस्ट एंड आई थिंक वी हैव गेंड दिस ट्रस्ट ओवर ट्वेंटी आई वॉज वॉचिंग यो स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूर क्ली रूमिंग इट and you found a lot of things <coughs> and i have antiques like kenakabishoke so what are the suits? like which antiques but you have collect like kenakabishoke well i love collecting old cameras antique cameras um, tvs oh. all sorts of okay. i have vcds and okay. the cds cassettes oh. uh, record players books as well

ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड किसी भी मार्केट में आप जाएंगे सो इफ सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होगा तो मार्केट प्राइस के ऊपर चीज मिलेगी इफ़ सप्लाई इज मोर तो फिर आपको डील्स मिलती हैं ऑफ मिल गया कि आप अक्सर देखेंगे सेल है बिकॉज दर इज नो डिमांड ऑन द अदर एंड अगर डिमांड ज्यादा एंड सप्लाई कम है तो फिर आप देर इज सर्टन पीपल जिनके पास पैसे ज्यादा हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है आप जैसे अमीर लोग जाके कहेंगे जी मुझे ऊपर दे दो ऊपर दे दो तो फिर उस पर उसको ऑन कहना शुरू कर देते हैं दे सर्टन प्रीमियम सो वी हैव एक्सपोर्टेड दिस

दैट इज़ ओनली थिंग आई नो बी डोंट नो एनी थिंग अबाउट कास्ट मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि कोई एग्जिट का प्लान है को कोई कोर कर लेगा तो आप क्या करेंगे तो दिस इज नो एनी अस्ट आई एम एक्साइटेड टू लाइक आर थिंक जो कि हर बंदा विटी हो सीरियस हो प्रोफेसर हो को बहुत बड़ा जज हो या कोई भी मुझे लगता है कि ऐसी चीज है जो कॉमन शौक है मैंने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड लड़कों में लड़कियों में बच्चों में और खास तौर पर अब तो यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा शौक है और हमारे बचपन में होता था कि वी वर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर या हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे अब जो है डिसीजन चेंज हो गया अब घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो इन्फ्लुसर होता है जो डिसाइड कर रहा होता है कि गाड़ी कौन सी लेनी है इसमें ये वेरियंट ये है और बच्चों को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है बिल्कुल तो इवन जिस तरह फात्मा को मैं देख रहा था इनकी स्टोरी पे आप भी कल गराज में मैकेनिक बनी हुई थी यू नो

आइडेंटिटी लाइक दैट यार मेरे ख्याल से आपको जेनअन होना पड़ता है अभी भी जब मैं आ रहा था तो मुझे कोई किसी ने बोला कि आप सुजुकी ऑल्टो पे जा रहे हैं मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगेन आपका अपना करैक्टर ऐसा होना चाहिए आपके अंदर नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो कि आप बात करें लोगों को पता हो जैसे हम रिलाईबिलिटी की बात करते हैं हमारे यहाँ पे बेसिकली सुपरफिशियल जो है ना जिंदगी बहुत है ख़ासतौर पर जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है hmm. स्मॉल शॉर्ट जो कंटेंट स्मॉल फॉर्म का hmm. उसने एक सुपरफिशियल चीजें लोगों की बहुत ऊपर लाने शुरू कर दी है क्लोथ यू वेयर वॉच यू वेयरिंग द फोन यूर यूजिंग और द कार यूजिंग यस दे आर ऑल थिंग्स जो कि आपको इंजॉय करनी चाहिए बट एक सोलह साल का पंद्रह साल का बच्चा फ्लटर कर रहा है वो अपने बाप के पैसे के आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग विच वी शुड इनकरेज वी शुड इनकरेज पीपल और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर हम रोल मॉडल भी देखें हम फॉलो करते हैं कि जी हमने एलन मस्क को जाके देखना है हम वो अचीव नहीं कर सकते तो

जो अगर किसी की गाड़ी खराब है उसमें कोई चीज मसला है सड़क पे भी जा रही है तो मुझे दर्द होता है गैर गाड़ी के साथ ज्यादा की हुई है एंड दैट्स आओ मेरे गैरेज में भी बहुत से दोस्तों की भी गाड़ी है, है। मैं उनकी कोई खराब होती है मैं कहता कहते तो मैं सही कर लेता आपने अपनी गाड़ी को मैं नाम दिया है नहीं डोंट नो मैं नहीं करता काफी लोग करते हैं बट फॉर मी इज़ जस्ट लाइक आई स्पेंड आवर्स एंड आवर्स माई काज एवरी डे Okay. एक शौक है भी स्पेस, स्पेस होएगी मैंने वो अपने घर में में जगह ऐसी रखी हुई है है कि मेरे पास पास आई आई पार्किंग लॉट लॉट ऑफ़ कार्स। ओके। सो हैव सम एक्स्ट्रा अगर आप में हाँ. किसी के पास भी है, तो

I personally wasn't good at studies. I'm an artist. I was good at arts. I was good at sports. Sara ko chh. Lekin I wasn't personally. Were you a good student? Because you were so good as an athlete. So as a student, were you a good student? I have been good in everything apart from studies. अच्छा. Oh, so I always had this ADHD problem that distractis tana hohti thi har choice mein. My teachers would say na like bachiy usko art mein pyenge them. ठीक है. And my parents had so much belief ki nahi mai badi doctor banegi medical karegi. Kare liya. ठीक है. Hmm. लेकिन आई नेवर वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन जो ग्रेड्स बहुत अच्छे ले रही है जो बहुत ही हायर ग्रेड्स पे हायर स्टैंडर्ड्स पर भाग रही है नो आई बिलीव दैट मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी हूँ hmm. मेरा एक लर्निंग का पूरा प्रोसेस डिफरेंट है जो शायद मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे यूनिवर्सिटीज स्कूल्स और कॉलेज नहीं समझ पाए hmm. यहाँ पे लड़कियों को बहुत प्रेशर होता है शादी का भी ये वो ये वो आपको अभी भी वो प्रेशर्स हैं आई डोंट प्रेशर एनिमो

ठीक है उसकी तरबियत किस तरह से की हुई है उसकी फैमिली वगैरह कैसी है बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और अक्सर हम लोग स्टैंडर्ड्स देख के जो आगे निकल जाते हैं भाग जाते हैं कि अच्छा रिश्ता आया है कमाता है उसके पास बड़ी गाड़ियाँ घर है पैसा है या बाप के पास उसके बहुत पैसा है दैट माई गाय माई टर्न आउट बी योर वर्स्ट डिसीजन सो आई वुड नेवर गो फॉर दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्योंकि मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि उसकी ग्रूमिंग कैसी हुई हुई है उसकी तरबियत उन्होंने किस तरह से की हुई है या